एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, हम चाहते हैं कि इंसेंटिव्स हो, इसमें बाइक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, सुना है बहुत सारे परफॉर्मेंसेज हो रहे हैं, तो एंजॉय करेंगे। जैसे पिछले फंक्शंस हुए थे बहुत अच्छा रहा है सब कुछ, और मज़ा भी आया है, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। ये एनुअल डिनर जो है मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, बहुत सारी होप्स हैं कि बाकी सब इवेंट से ये बहुत बेहतर होगा। एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, एवरीवन इज एक्साइटेड बिकॉज ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं लास्ट टाइम नहीं था, इट्स माय फर्स्ट ईयर, सो जिस तरह की प्लानिंग चल रही है और जिस तरह का एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है, उस तैयारी के हिसाब से एक बहुत अच्छा इवेंट होने जा रहा है। वेल, टू बी ऑनेस्ट, एक्सपेक्टेशन 24/7 से बहुत ज़्यादा है। मैं इधर बेसिकली रीहायर हुआ एज ए क्रेडेंशियलिंग मैनेजर, और जो मैंने इस साल के अंदर जो ग्रोथ की, आई बिलीव के मार्केट में कोई भी कंपनी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो आपको 24/7 देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस जगह पर अभी हूँ, जो काम कर रहा हूँ, जो टीम हैंडल कर रहा हूँ, वो एक अपने आप ही एक मिसाल है। एक्सपेक्टेशंस तो अच्छी ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इससे पहले जो भी इवेंट्स हुए हैं सारे बहुत अच्छे हुए हैं, और उम्मीद है कि ये भी इंशाल्लाह एक्सेप्शनल होगा। सच बताऊँ तो मैंने शुरू से ये सुनता आ रहा हूँ कि नहीं भाई, स्कूल ऑफ सरप्राइजेस, तो आई नो देर इज अनदर सरप्राइज वेटिंग फॉर अस, तो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट सरप्राइज, तो लेट्स सी कि इस बार क्या सरप्राइज होगा। ड्रेस थीम फॉर्मल होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो बिजनेस टाइप आपका था, थ्री पीस हो गया, टू पीस, जो भी जो पहनना चाहे, वो एक अच्छा डिसेंट जो है ना वो व्यू देता है। गर्ल्स कलरफुल अच्छी लगती है, सो वो एक थीम में रहें, आई डोंट थिंक सो कि वो एक थीम में रहेंगी, वो कलरफुल ही अच्छी लगती है और कलरफुल आएंगी। सजेशन तो यही है कि बस फुली फॉर्मल होनी चाहिए, मतलब क्योंकि एनुअल फंक्शन है तो कोशिश करें कि सारे कम्प्लीटली फॉर्मल होके आए। थीम ड्रेस एज पर द इवेंट, टू पीस is the best theme. एज पर मेजोरिटी, जिस तरह हमारे कंपनी में गिलगित बहुत ज़्यादा है, हमारे गिलगित भाई, तो इनका कल्चरल डांस देखने का हमें मौका मिलेगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के बारे में। अतन डांस स्पेशली मैं खुद भी परफॉर्म करूँगा। नदीम की परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं, नदीम नादी की, और दूसरी पश्तो, हमारी पश्तो का डांस हो रहा है तो उसका। अख्तर भाई की परफॉर्मेंस के लिए हम एक्साइटेड हैं। गिलगित डांस का मैं ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट डांस है जो कि हर बंदे को देखने को नहीं मिलता। एक हमारा कल्चर है बहुत अच्छा गिलगितियों का और बिलगितियों का, तो मैं तो उसी के लिए वेट कर रहा हूँ। मैं गोहर और सफदर की परफॉर्मेंस का ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, और आल्सो एज फॉर द कल्चरल डांस। सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस का हमें इंतज़ार है बेसब्री से, वो स्रैकी है, स्रैकी झूमर। मैं सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस का वेट कर रहा हूँ, एक लास्ट टाइम हुई थी अख्तर बशीर भाई की, वो गब्बर कैटेगरी वाली, मैं उसका बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ। परफॉर्मेंसेस तो बहुत हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस सर अदीम जो है वो सिंगिंग कर रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस का वेट। कल्चरल शो, सिंगिंग, डांस। अगर मैं इवेंट प्लानर होता तो ऑब्वियसली मैं टीम्स के लिहाज से उनके गिफ्ट्स प्लान करता, या कोई ऐसे बोनसेस वगैरह जो उनको मोटिवेट करते आगे काम करने के लिए मजीद। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं देखता कि हमारे कोलीग्स क्या चाहते हैं, उनकी एफर्ट के मुताबिक ये चीज़ें हम देखते और उनके सरप्राइज प्लान करते, क्योंकि अपना कीमती वक्त दे के वो आएंगे। उनके लिए बाइक, गाड़ियाँ, जो कि अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। सरप्राइजेस यही हो सकते हैं, उनकी फेवरेट्स जो होती है बाइक्स, आईफोन। तो जिस तरह मुझे कॉस्मेटिक्स पसंद है, मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स को कॉस्मेटिक गिफ्ट करूँ। देखिए, अगर मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र होता तो मैं कभी भी सरप्राइजेस बताता ना, वो एक स्पेशल चीज़ होती, और स्पेशली मैं जितने भी बंदे होते उनके लिए एक स्पेशल चीज़ वो करता। मोर लाइकली इट कैन बी अ गिफ्ट, अ बिग गिफ्ट, बट आई कैन नॉट डिस्क्लोज इट। अगर मैं इवेंट प्लानर होता तो एम्प्लॉयज़ के लिए गिफ्ट्स, उसके बाद सरप्राइजिंग प्लान्स जितने भी होते हैं, एक एम्प्लॉय के लिए बोनसेस, ये सारा कुछ।